सो गाइस आज हम आ गए हैं डम्बा टेंपल। हिडम्बा टेंपल की तो हिस्ट्री आप सबको मालूम है, अगर नहीं मालूम तो आपको व्लॉग में बने रहो। मैं स्टार्ट करूंगी आज हिडम्बा के टेंपल की स्टोरी से, बट पहले चलते हैं अंदर। और मेरे साथ है सिमरन, बाकी सब सो रहे थे। सिमरन बाकी लोग कहाँ हैं? झाड़ भी दिया कश्मीरी केसर। 5 बजे सुबह मैंने उठूंगा दूध। ओह माय गॉड, मैं तो बात नहीं करूंगी। कह रही मैं बात नहीं करूंगी इससे आज। सो हिडम्बा टेम्पल माँ हिडम्बा के नाम पे बना हुआ है, पता है? हाँ ये पता है। कुछ पता है हिडम्बा टेम्पल के बारे में? भीम की वाइफ, उन्होंने समाधि ली थी यहाँ पे, समाधि ली थी। कोई नहीं, टुकड़ों में स्टोरी नहीं बताऊंगी, ऊपर चलते हैं, स्टोरी पक्का शेयर करूंगी। सो दिस इज अ ब्यूटिफुल प्लेस, लुक। सो वैसे इस जगह के बारे में कई स्टोरीज बोलते आती हूँ, मगर जो मेन स्टोरी है जो कि विकिपीडिया में भी मैंशनड है, वो यही है कि बेसिकली हिडम्बा माँ ने प्रण लिया था कि जो भी उनके भाई हिडम को मारेगा और जो कि बहुत फेयरलेस होगा, मैं उसी से शादी करूँगी। और कहते हैं तभी पांडव जो है मनाली आए और उन्होंने ये सब मतलब हिडम का मतलब वो किया, वध किया। एंड हिडम्बा माँ ने वो किया कि मतलब वैसे तो हिडम्बा जो माँ थी वो पूरा राक्षसी बैकग्राउंड से बिलोंग करती थी, पर उन्होंने वो किया कि मैं मैरी करूँगी इनसे, भीम से। और उसके अलावा यहाँ कह जाता है कि इस जगह बैठ के माँ पूजा करती थी हिडम्बा माँ। जो ये सिंह आप देख रहे हैं ये असली हैं, ये असली बकरियों के हैं और ये काट के लगाए गए हैं। मतलब पहले यहाँ पे ना बकरियों का वो होता था, बलि चढ़ती थी, सो ये उसके लिए काट के लगाए गए हैं जिनकी जब बलि चढ़ी है यहाँ पे कभी। ये रहे एग्जैक्टली, पहले मतलब इनके देवता हिमाचल में देवताओं को बहुत माना जाता है, उनकी अपनी कहानियाँ हैं। और कहते हैं कि मतलब बहुत तैयारी की जाती है जब यहाँ पर बहुत फेस्टिवल होते हैं देवताओं के। सो गाइस लास्ट टाइम जब मैं आई थी टेंपल नहीं खुला हुआ था, बट इस टाइम टेंपल खुला हुआ है। बट आई गेस अभी भी अंदर नहीं जा सकते, और अगर आप आओगे तो आपके लेफ्ट साइड पर मतलब राइट साइड पर आपको हिडम्बा के टेंपल की स्टोरी देखने को मिलेगी। इस बार आप अंदर जा सकते हैं, और अंदर पता है बकरी के सिंह ओरिजिनल हैं। एक्चुअली पहले यहाँ पे बकरियों की बलि चढ़ाई जाती थी, रीज़न ये है। अब हम टाटा बाय बाय करते हुए इस ब्यूटीफुल प्लेस को और स्टोरी के साथ, ऑब्वियसली मैं आपको स्टोरी बताऊंगी, हम जा रहे हैं हॉट चॉकलेट पीने। लवी हॉट चॉकलेट पसंद है, ज़्यादा चॉकलेट डलवाएंगे इस बार। और चॉकलेट एंड चॉकलेट कम थी यार, मैं आपको ब्यूटी से दिखा रही हूँ, मेरे फेस से ज़्यादा ये ब्यूटी अमेजिंग है। फिलहाल मेरा फ़ोन बंद होने वाला है, मैं आपको बता दूँ DJI में जो इसका मैग्नेट होता है पीछे वाला, वो इसकी बैटरी बहुत खाता है यार। मैंने अभी तार दिया है तो ये 8% भी आ गया, मैं उसका मैग्नेट हटाऊँ, उसको चार्जिंग पर लगाऊँ। तो यहाँ पर पेड पार्किंग है और जिसका स्लिप 100 रुपीज़ की है, ये हिडम्बा टेम्पल के पास ही है। सो पेड पार्किंग में ही गाड़ी खड़ी होती है और कोई जगह नहीं होती गाड़ी खड़ी होने की। फिलहाल चलते हैं कैफ़े की तरफ, हमें लगी है भूख, लेट्स गो। ओह माय गॉड, हमने ऑर्डर किया है सैंडविच, हम आए हैं, कहाँ आए हम? हाँ तिरंगीज़ कैफे। हमने सैंडविच ऑर्डर किया है एंड दिस इज़ यम, एंड विद द ब्यूटीफुल व्यू ऑब्वियसली बाहर का। सो अब हम क्रॉस करेंगे व्यास रिवर, दिस पुल इज ऑफ, इसके नीचे व्यास रिवर है। किसी को पता है व्यास रिवर कहाँ से आ रही है? हाँ साइड आ जाओ,
दिस इज एक्चुअली व्यास रिवर। किसको पता अगर व्यास रिवर कहाँ से आ रही है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इस जाती मेरे उस साइड से आ रही है, मुझे इतना पता है। बट इसकी मतलब बेसिकली वो होता है ना, एक जैसे पार्वती, पिन पार्वती से आ रही है, तो इसकी वो क्या है, इसका पॉइंट क्या है? आज हमारा लास्ट डे है क्योंकि कौशल की, ताई की तबीयत ठीक नहीं है। ताई जी, बड़ी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, होपफुली वो जल्दी ठीक हो जाए। और कौशल यहाँ रह के कैसा लगा मेरे साथ, सच बताइयो। लव होता तो बोलता, सच बताइयो, वो भी है नहीं जल्दी होता सब सच। नहीं अच्छा लगा, यू आर वेरी नाइस गर्ल। नहीं मैं तंग नहीं करती। नो यू आर बिट रिजर्वड एंड यू डोंट बदर पीपल अनलेस दे आर नॉट बदरिंग यू, व्हाट आई हैव ऑब्जर्वड अबाउट यू। अरे दैट्स एक्चुअली ट्रू। हाँ, that's actually true about me. Tell me something good about me too. So good about you. Patience level अच्छा है, understanding हो, और मतलब वही है कि तुम्हारा भी एक reserve का point है, और मतलब एक point है जिस time के बाद तुम बोलोगे नहीं, तुम चुप हो जाओगे. Exactly. Yeah. चलो, let's go to sim. एंड ऑब्वियसली मैं जगह आपको दिखाई चुकी हूँ, सो होप यू लाइक द प्लेट्स। कमेंट करके बताना जगह के बारे में। थोड़ी सी मेस्ड अप, टॉल भी मेस्ड अप है, क्या करें, हम घर की तरह रहने लग गए थे यहाँ पे। बट इट्स अराउंड 7 days नाउ, सो लेट्स हैव अ वर्ड। वैसे मुझे पता है हिडम्बा टेम्पल की स्टोरी रहती है, वी विल हैव अ वर्ड अबाउट हिडम्बा टेम्पल एज वेल। लेट्स गो टू सेम। बाद में डिस्टर्ब करेंगे हम सबको। हाँ बोल लो, क्या बोल रहा, क्या बोल रहा था मैं तो कुछ भी नहीं बोल रहा था। ओवरऑल ट्रिप का एक्सपीरियंस। अच्छा, ओवरऑल ट्रिप का एक्सपीरियंस बोल रहा था। मैं बोल रहा था ओवरऑल ट्रिप का एक्सपीरियंस काफी अच्छा था। तेरे को मत पूछ, तो ही बोल। अच्छा मैं अपने बारे में, नहीं तुझसे पूछ रहा था। तो हाँ, तेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था, लाइक दिस ट्रिप, यू नो। तुम रहने दो, चलो हम सिम से बात करेंगे। सिम तेरा मेरे साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा मैं बता दूं कैसा रहा ट्रिप। पहली बार तो हमारे साथ साक्षी आए, इतने लोग आए, नहीं मेरे को टाइम लगा साक्षी घुलने मिलने में। पहले दिन तो लगा होगा कितनी बॉसी है, काम बताती रहती। पर यार वो इतना मेहनत करके चला के गाड़ी लेके आई, लेके जाई। काउंट्स दैट, सो वी शुड काउंट दैट। तो इतना हमने चुप चुप हो गया। हाँ क्या बोल रहा था तुम? बस यही बता रहा था मैं, अच्छी बात है। ओवरऑल एक्सपीरियंस, अच्छा मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था। पहली बार तो ये तुम सब मिले, मुझे लग रहा था कि तुम्हारी बन जाएगी, नो लाइक आई न्यू इट, लाइक सो दैट्स व्हाई। बिकॉज टेकिंग साक्षी साथ किसी को भी ले जाना इज अ बिग टास्क पहली बार तो। बिकॉज द रीजन इज लाइक यू नो आई नो हर नाउ थोड़ा बहुत, तो आई नो व्हाट काइंड ऑफ पीपल शी विल लाइक एंड ऑल दैट, एंड समबडी हु हैज अ वॉइस शी विल हेट हिम। ऐसा कुछ नहीं है, लुक एट यू, सो दैट्स व्हाई वी हेट ईच अदर सो मच। कोल्ड वॉर चलता है, कोल्ड वॉर बेसिकली। वो एक को सोने पे सेल लिया था कुटुंब करके, हे हे हे, यू रिमेंबर दैट, यू रिमेंबर दैट? नो, ओके, आज के लिए काफी है इतना। हाँ ठीक है गाइस, नमस्ते, दोबारा मिलेंगे अगले ट्रिप पे, क्योंकि हम वैसे ही। वेल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आज के लिए बस इतना ही। दिस इज ऑल मनाली एंड ऑन मनाली वाइब्स। नाउ हेडिंग बैक टूवर्ड्स द होम, यू टुमारो विद द होम व्लॉग। एंड येस, 5,000 सब्सक्राइबर पे आई एम गोना गिव अ ह्यूज गिव अवे ऑफ ट्रैवल। सी या।